हेलो सत श्रीकाल जी, की हाल चाल? ठीक हो सारे? अज का ब्लॉग साडा स्टार्ट होया सवेरे सवेरे यार्ड तो, और राती बाहर अज स्नो वगैरह भी पई है। जा रहे हैं एक पिकअप के लिए, इतों है कोई 20-30 किलोमीटर की ड्राइव ते उदे बाद पिकअप करके ते कल मॉर्निंग या इवनिंग च निकलना अमेरिका के लिए। तो लिखे हुए से स्ट्रैप डैक लैके आना, अपने डिस्पैचर नूं भेजी है दी फोटो के एवला ट्रेलर ही लैके जाना या फिर होर कोई लैके जाना। ये आया से मैं इत्थे पिकअप करन लई, ये लोकेशन से 4848 पली, तो इत्थे पेपर वर्क रेडी होया। हुण इन्होंने सानूं नवा एड्रेस दिता, कहिंदे इत्थे जाओ, इत्थे जाके लोड करो, उहदे बाद वापस इस लोकेशन ते आओ ते अपना पेपर वर्क लैके फिर चल जाइओ। इवें पहुँच गया अपनी पिकअप लोकेशन ते, जड़ी उन्होंने कहा सी दूसरे यार्ड ही जाओ। इत्थे ते कोई है नहीं है, वैसे दो फॉग लिफ्टां खड़ियां ने, इत्थे लगे हुए सी कि इत्थे ट्रक लिया के रोको ते इंस्ट्रक्शन से वेट करो। नाल एक ट्रक खड़ा सी, मैं भी आ गया इत्थे रुक गया। देखो हुण फिर किले पिकअप हुंदी है साडी, इत्थे खड़ो के वेट कर रहा सां। फॉग लिफ्ट वाला आया, कहिंदा मेरे पिछे पिछे आ जा, उन्होंने पिछे पिछे जा रहे हैं, आगे जाके लोड होएगा ट्रक। और चक के लिया रहा लोडिंग करने लिए पाइप्स, पाइपा ही आ गई, पाइपा का लोड आ। मैं बाहर खड़ा सी, कहिंदा तू ट्रक के अंदर बैठ, जल्द ट्रक लोड हो जाएगा उसके बाद मैं तेनों दस दाँगा, फिर तू आगे स्ट्रैप्स वगैरह कर ली अपनी। पूरा बारू लोडिंग कर रहा, देखो आ ट्रक लोड हो गया मेरा, तो स्ट्रैप्स वगैरह भी मारती ने, बस हूँ निकल लगा इतों। लोड लैके मैं निकल गया हूँ यूएसए के लिए, जड़ा कल पिक किया जी, तो नाल अपनी कंपनी का एको ट्रक जा रहे अगे, मेरा तो उदा वीर का दोयां दा सेम जगह का ही लोड है, कट्ठे ही जावांगे इस सवेरे। वो अगे अगे चल रहे ने, मैं उन्होंने पिछे पिछे चल रहा, सेम लोड है दोयां दा, एक ही जगह तू चक्या, एक ही जगह ते डिलीवर करना है। अज बार काफ़ी स्नो पई हुई है, राती भी दसी हुई है, हुण तो वैदर भी काफ़ी खराब दस्या होया नैट के उपर, टैंपरेचर -20-25 इं दस होया परसों तू। देखो फिर की बनता, हूँ बाहर स्नो वगैरह काफ़ी पई हुई है, एकदम वाइट वाइट होए हुए हैं सब कुछ। टेंपरेचर भी कल तो बहुत डाउन दस्या, माइनस भी दस्या हुआ है, -25 -30 के अराउंड। फर्स्ट विंटर है मेरी इत्थे कैनेडा दे विच, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। इन्नी स्नो वगैरह पई हुई है, मैं लगता जी ही अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करांगा, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा मौसम। उस साइड हजे इन्नी स्नो वगैरह पई नहीं है, साढ़े 700 किलोमीटर रह गया इतों बॉर्डर, 7.5 घंटे लग जाने, उसके बाद उत्थे जाके देखते हैं कैसा वैदर मिलता है। कैनेडा विच ते बुरी हाल है। हाँ देखो जी, नवी ट्रेन आई है, इत्थे खड़े होकर चलानी पैंदी है। पूरे असीं रुके सी ब्रेक दे लई 30 मिनट्स दी, ते हुण निकलन लगे हैं इत्थों। हाँ देखो, तुहानूं स्पैशल दसन लई लै के आया मैं इस साइड ट्रक, नहीं तो मैं दूसरी साइड तों जाना सी। हाँ देखो, हाँ देखो रोड का व्यू कैसा दिख रहा है,
ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲਈ। ਹਾਏ, 283 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਰੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ, ਇੱਕਦਮ ਵਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਪਈ ਆ ਰਾਤੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਹ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਟਨਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਨਲ ਹੈ ਇਹ, 5-6 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਖਤਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੈਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, -20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਅੱਜ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਊਨ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀਕ -20-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆਹ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਹ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸਨੋ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਸਨੋ ਟ੍ਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਬਣਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਵਲੌਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰੋ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ USA ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ USA ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸਨੋਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਵੈਦਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਨੋਹ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੌਸਮ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ,
साइड से हिल पूरी उपर फॉग ही फॉग हुई हुई है, कुछ दिखता ही नहीं है उपर। बट एक गल है, रोड पूरी क्लियर है, रोड तो बिल्कुल स्नो नहीं है। नाल वाला पिकअप ट्रक पूरा भरन होता है, भी है एक बीच समान पे आता सी, कोई कवर हो गया था पूरा स्नो दे नाल। बाहर स्नो पैना भी स्टार्ट हो गई है, देखो पहुंच गए ट्रक स्टॉप ते, ट्रक लगाए हुए ने आ खड़ा एक, ए पिछे ही दूजा तो तीजा आया खड़ा, तीनों पाइपां दे लोड ने साड़ी कंपनी दे। पिछे एरिया वधिया सी, इत्थे भी स्नो पई हुई है काफ़ी। किसी ने अगर ठंड च कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो यह मशीन लगी हुई है, इतों अपना कार्ड वगैरह स्वाइप करो तो इतों कट के पी लो। ये हो गई अगले दिन की मॉर्निंग, सवेरे सवेरे असी निकल गए सी 6:30 बजे, और इतने की हिल्स कुछ ऐसी हैं, बूटे वगैरह घट ही इन्हों के उपर, लेह की पहाड़ियों से आ गए असी, लेह लद्दाख ली एकदम प्लेन पहाड़ियों, बीच बीच थोड़े थोड़े ट्रेन इन्होंने उपर, उपर स्नो भी पई हुई है हल्की हल्की। फोर्टी 2 माइल्स रह गई उ जाके साडा ट्रक वाश होएगा, लोड वाश करा के लैके जाना, कंपनी की रिक्वायरमेंट सी कि लोड डिलीवर करने तो पहले वाश करवाना है। पहाड़ों के बीच देखो सूरज निकल रहा, कैसी वो बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है जी, हाँ ऐसा व्यू आ रहा, किसी ने पेंट किया हो, ओरेंज ओरेंज मिरर भी बारू गंदा हो, पानी वगैरह मार के भी देख लिया वाइपर का साफ नहीं हो रहा। आप जल ट्रक वाश होगा एकदम वधिया हो जाएगा। मैं आ गया ट्रक वाश कराने के लिए, अगे मुंडे का चल गया, वाश हो रहा है, ये बाद मेरा नंबर है। मिरर पूरा गंदा हो, देख ही नहीं रहा कुछ, लग गया अपना ट्रक वाश होने के लिए, एकदम चमक जाना हूँ। और फ्रंट तो देखो, फ्रंट तो इं वाश हो रहा, हम तुम वाश करा के मिलेंगे। ये ट्रक हो गया वाश, निकल गया मैं वापस डिलीवरी लोकेशन के लिए, अगे का शीशा भी एकदम साफ हो गया। इवें पहुँच गया डिलीवरी लोकेशन से, दूजा ट्रक साडा अनलोड हो गया, बस हूँ उतों कढ़ेगा, फिर मैं अपना ट्रक लगाऊंगा उत्थे, स्ट्रैप्स वगैरह खोलांगा, फिर मेरा ट्रक भी अनलोड होएगा। इत्थे आई थिंक कोई नवी कलोनी वगैरह बनेगी या कोई कुछ बंद होएगा प्लाजा वगैरह, तो करके समान वगैरह आ रहा है। ये स्ट्रैप्स में खोल दी ने, तो अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, अनलोड कर करके इतने रख रहा समान, बस हूँ इतने स्ट्रैप्स कसनिया ने, वो रोल करके रखनिया ने, फिर निकलना बस इतों, मिलते हैं तुम हूँ स्ट्रैप्स वगैरह करके अनलोड करा के। डिलीवरी हो गई है, ट्रक पूरा अनलोड हो गया, तो हूँ इतों निकलन लगे हाँ, अगे की डिस्पैच हजे आई नहीं आ, जल्दी आएगी फिर अगले लोड लिए निकल जाएंगे। हूँ मैं जा रहा पंप से, उत्थे जाके शावर वगैरह ले लिए, वेट करांगे अगली पिकअप पेपर आने। हेलो, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहे हो, नैक्सट डे तू कल थानू डिस्पैच नहीं आई सी, अज आई है, हूँ जा रहा मैं बहुत दूरों जाके लोड चकना है, 665 माइल्स दूर तो अप्रॉक्स होएगा, कोई 1000 किलोमीटर दूर जाके लोड चकना, तो आज निकलिया मैं राती तक पहुँचागा, उत्थे 11 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद कल उतो लोड चुके तो एडमिंटन लिए निकलना। फिर बाहर वैदर भी खराब हो रहा, स्नो पै रही है, बारिश भी लगी हुई है, हल्की हल्की पै रही है।
देखो बाहर कैसा व्यू आया एकदम, जेडे पहाड़ दूर दिख रहे सन उन्होंने कोल आ गया एकदम। बहुत ही स्नो पई हुई है बाहर। एंड ये आज मेरा लास्ट व्लॉग है, ये बाद में कोई व्लॉग वगैरह अपडेट नहीं करांगा, अगे जाके गर्मियों देखेंगे उदू अपडेट करांगा, जाते जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे उदू करा। मैं बिल्कुल वीडियो वगैरह नहीं अपडेट करांगा, मैं जी हूँ मैं लॉन्ग वीडियो बनाता ट्रक चलाते वगैरह ये कुछ नहीं बनाया करांगा, ओनली शॉर्ट्स पाया करांगा, जी लोडिंग के टाइम वीडियो बना ली, तो जल्द डिलीवरी के टाइम वीडियो बना ली, ऑयल वगैरह के टाइम बस कोई शॉर्ट्स वगैरह पाया करांगा। सब कुछ वाइट हो गया बाहर देख रहे साइड से विंड स्ट्रॉम चले करता है, हवा चल रही है बहुत तेज। हम थोड़ी रोड साफ हो गई है, इतों स्नो वगैरह भी साफ की गई है, नाल इस साइड स्नो वगैरह घट पई रही है। आई विश अगे सारा रस्ता इं लभे स्नो ना ही लभे तो चंगी गल है, दूर दूर तक पूरी रोड साफ है, इस साइड प्लेन एरिया इस साइड हिल वगैरह। ये मैं पहुंच गया लोडिंग लोकेशन से, ट्रक लोड होने लग गया, उसके बाद टार पानी है उपर वो वीर भी पा रहे टार पहला लोड है, फिर निकलना कैनेडा के लिए। अज कोई 7 घंटे की ड्राइव है, लोडिंग स्टार्ट हो गई है मेरी, इतू चक के लै के आई जा रहा, फॉग लिफ्ट लै गया बंदा लोड करा के मिलते उन्होंने, वो आ रहा समान लैके ट्रक लोड कर दिता, टार वगैरह भी मार दी है, स्ट्रैप्स वगैरह मार दी, पंप पर आया बस हमने निकलना इतों ब्रेकफास्ट वगैरह करके। ये मैं निकल गया हूँ, बॉर्डर क्रॉसिंग के पेपर आ गए सन, लोड लैके निकल गया मैं, 650 किलोमीटर रह गया, 650 किलोमीटर तो मेरा यार्ड है, यार्ड से ट्रक लगा के उतों घर चल जाना, 10-15 मिनट की ड्राइव से अपना घर है उतों, 1/2 घंटे तक बॉर्डर क्रॉस कर लाँगा। अगे मैं लग रहा वापस स्नो मिलेगी, एडमिंटन बहुत स्नो पई हुई है, उत्थे -31 डिग्री टेंपरेचर पहुंचे हुआ, ये आ गया मैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे, बहुत ही स्नो पई हुई है, -30 तो भी उपर है टेंपरेचर, टार्प वगैरह खोल रहे हैं, स्ट्रैपा खोल दी ने, ये मेरा लोड डिलीवर हो गया सी, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया सी, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस करके, तो हूँ मैं जा रहा अपने यार्ड से। आई विश तुहानू ये व्लॉग वधिया लगे होगा, अगर वधिया लगे तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करियो।